तो दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ सिक्योरिटी बाजार में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यस बैंक के बारे में। हाँ जी, जो बैंक अभी बिल्कुल 52 वीक्स को लॉक कर चुका है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम कुछ ऐसे शेयर पकड़ेंगे जो 52 वीक्स के लो में आए हुए, जो करेक्शन के बीच में या फिर अफेड हुआ है मार्केट किसी वजह से, तो उसमें जो स्टॉक जो आए 52 वीक्स में हम उसको पकड़ेंगे, क्या उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसी के बारे में जानेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको यस बैंक के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने शनिवार वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने DHFL के बारे में बताया, तो आज शायद आपका नुकसान हो रहा होगा कि एवरेज करने का पक्के पास अच्छा मौका था 350 में प्राइस लेने का, अभी 400 पार कर चुका है शेयर। तो ये तो बात रही मेरे पहले वाली वीडियो की। अब इस बैंक के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों को डाउट है SBI 300 क्रॉस करेगा, जी मैं बता दूँ ये शेयर जो है SBI के बारे में, आप कहेंगे यस बैंक के बारे में बताने से ये SBI का क्या लिंक है, मैं बताता हूँ आपका क्या लिंक होने वाला है। SBI बैंक में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है या फिर 20 से अब या 300 है जिसके आसपास में, तो मैं ये कहना चाहूँगा उसके रिजल्ट्स मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया कि कुछ नहीं है उस कंपनी में, सिर्फ वो सट्टेबाजी से चल रहा है, बस उसमें फ्यूचर्स में काम चल रहा है, ऑप्शन में काम चल रहा है, बाकी इसमें सारे में काम चल रहा है, इस वजह से ये 300 क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर इंटरनली आप जाते हैं तो कुछ नहीं है। अब यस बैंक की बात आती है, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा था प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, तो अभी ये मौका यस बैंक में आप जा सकते हैं। यस बैंक का इतना तगड़ा रिजर्व्स हैं और बाकी सारी चीज़ें, इसके रिजल्ट्स अभी हम बात करेंगे उसी के बारे में, और थोड़ा सा एक सरप्राइज वाली चीज़ इसमें आई है वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2003 में, लार्ज कैपिटल कंपनी है, 88,621 करोड़ का मार्केट कैपिटल, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटल हो चुका है इसका, मतलब अभी मार्केट कैपिटल के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य भी है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी दो चार पॉइंट्स बताने के बाद। आप जैसे कि आपको बताया प्राइवेट बैंक्स इंडस्ट्रीज़ में है, और अब बात कर लेते हैं कि इसके बिजनेस एरिया किस एरिया में है। कॉर्पोरेट बैंकिंग, मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग में मुझे अच्छा लगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में दिया वहाँ से अच्छा खासा डिपॉजिट भी आ जाता है और ट्रांजेक्शन चलती रहती है। रिटेल बैंकिंग में भी 11.8% है, ट्रेजरी में 23.7% है, तो ये काफ़ी अच्छा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का यूज़ है। तो मतलब कि आपको पता ही होगा अपने इंडिया की इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग को इतना सहारा मिलेगा तो यस बैंक का बढ़ना तो लाजमी है। और अब बात कर लेते हैं इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम की, अगर कंपैरिजन की जाए इसकी जून 2017 3,930, अब इससे थोड़ा सा लो कर रहा है, लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे मूवमेंट जो आई है थोड़ी सी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गिरावट नहीं आई है उसके हिसाब से, ठीक कर रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा NPA यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखाया गया है, तो मैं आप लोगों को रियल NPA आपको दिखाऊंगा, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था जो बंदे पैसे नहीं देते उन्हें नॉट परफॉर्मिंग एसेट करते हैं, जो लोन के तौर पे लेते हैं या फिर वो करते हैं, तो वहाँ से भी रिकवर करना आता है प्राइवेट बैंकों को। तो मैं अब आपको बता दूँ पॉजिटिव इसका नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, जहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा काम करा है, 2200 करोड़ के आसपास में करा है, जो कि पॉजिटिव साइन है अगर कंपेरिजन की जाए क्वार्टर रिजल्ट से, तो मतलब देखिए क्या ग्रोथ कर रही है। जून 2017 में जो 1800 करोड़ थी, 2200 करोड़ के आसपास में आ गई है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट अर्नड की, तो इन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया है, 6500 करोड़ के आसपास में करा है, और काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब ग्रो कर रहा है, मतलब जून में 2017 में जो था 2000 अप्रोक्स क्रॉस कर चुका है। दो तीन चार फैक्टर और मैं आपको बता दूं, इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है जो 1260 करोड़ है, ये भी हाईएस्ट करा है। EPS 5.47, मतलब EPS अर्निंग पर शेयर भी देखिए 5.47, मतलब बहुत ही पॉजिटिव साइन है, मतलब किसी बैंक में हो ना, पब्लिक बैंक की बात करें तो छोड़ दीजिए सब कुछ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जैसे कि मैंने दिखाया 30% तक का ग्रो करा है इन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें यस बैंक में, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ सॉरी। लेकिन अब देखते हैं इसमें काम क्या नहीं कर रही है चीज़ें, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात कर ली जाए तो ये 135 करोड़ ही कर रही है, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा था वो बढ़ा है, लेकिन जब गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके मतलब टैक्स बचाने के चक्कर में इन्होंने करा है, लेकिन अभी एक और चीज़ें और मैं दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा इस पे। और दो तीन चीज़ों की बात और कर लेता हूँ, लास्ट 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 5% का रिटर्न दिया है, और इसके सेक्टर ने दिया 9.4% का, 9.4% का रिटर्न जो निकाल रहा है उस शेयर को आप देख लीजिए एक बार,
मैं बता देता हूँ, ये शेयर है बंधन बैंक। जैसे कि आपको बताइए बंधन बैंक का आईपीओ था, इतना तगड़ा रिटर्न का सब्सक्रिप्शन उसमें चला था और पैसे भी अच्छे खासे निकाल के दिए। तो बाकी इसके कंपैरिजन क्या है किसी और के साथ में, तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक 13 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के तो क्या कह रहे हैं इसमें तो अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर भी बताऊँगा जिसमें आपको राइट शेयर मतलब राइट टाइम पर आप राइट से बाय कर सकें। ठीक है, और कोटक महिंद्रा 10.6%, बंधन बैंक 34%, अभी अभी आया तो ऑब्वियसली बात है इसका ज़्यादा रिटर्न, नेशनल बैंक वहीं पे 4.1%। तो ये तो रिजल्ट थे 26 जुलाई तक के रिजल्ट, और अब भी कुछ फ्लक्चुएशन जो ये लास्ट फ्राइडे को वो काफ़ी इंपैक्ट करा है इन सारे शेयर पे, तो बेस्ट परफॉर्म करके हम कुछ शेयर पकड़ेंगे। और इसमें एक मज़ेदार वाली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था कि कहा था मैंने कि क्या चीज़ है, यहाँ पर प्रमोटर को आप देखेंगे शेयर होल्डिंग में 20% है और FIIs का 42.5% है। मतलब जब किसी फाउंडर बैंक का इतना ज़्यादा यूज तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब ऑलमोस्ट इसे एक्वायर करने के उस पर FIIs, तो मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल फॉरेन कंट्री का बैंक बन जाएगा जिससे आपको रिटर्न बहुत तगड़ा मिला, तो इसमें होल्डिंग कर सकते हैं आप ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार वाली चीज़ है यहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 20% है, और वैसे मैनेजमेंट उसका ठीक काम कर रहा है, लेकिन FIIs का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है जिससे मतलब फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है बैंकों में, तो अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखिए तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। अब मैं इसके कुछ फैक्टर्स आपको दिखा दूँ, ठीक है, दो तीन फैक्टर दिखाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, और ये चीज़ें मेरे बताने का मतलब ये है आप लोगों के कि आप भी ये चीज़ें खुद ये पैटर्न जो मैंने बताया है इस पैटर्न को आप भी फॉलो कीजिए। ठीक है, अच्छे शेयर पकड़िए। ठीक है, ऐसे ही मेरी रिसर्च है, लेकिन मैं दो चार चीज़ें और करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं वो सारी कंपेरिजन शॉर्ट में करके आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर मैं यस बैंक की बैलेंस शीट में आता हूँ तो मेरे को बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखता है। मार्च 2014 में इसने 360 करोड़ का इसकी इक्विटी कैपिटल थी जिस पर इसने 6,476 का रिजर्व मान लिया है आराम से। और अभी करंट की बात की जाए मार्च 2018 की, तो 25,297 करोड़ का रिजर्व सरप्लस इनके पास में रखा है। मतलब इतना पैसा रखा हुआ है तो ये किसका पैसा है, ऑब्वियस सी बात है जिन इक्विटी होल्डर का है। 60 करोड़ में 25,297 करोड़ का रिजर्व इन्होंने रखा हुआ है, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाते हैं किसी भी बैलेंस शीट को। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसमें मैं आता हूँ रेवेन्यू पे कि इन्होंने कितनी इनकम जनरेट की, तो यहाँ पे इन्होंने जो इंटरेस्ट ये कमा रहे हैं उससे, तो मार्च 2014 में जो 6,000 था अब बिल्कुल ही डबल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब ये एक्सपोजर करके रखती है। टोटल इंटरेस्ट इनका अर्न काफ़ी अच्छा हो गया, 9,000 जो 2014 में था 20,000 के आसपास में हो गया, मतलब डबल कर रही है 5 साल में। मतलब इससे पता चलता है कि हाँ, जो आपका पैसा है 5 साल में डबल हो सकता है। अब जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ चल रही है शायद उसे शॉर्ट टाइम में भी आपका पैसा डबल कर दे। ठीक है, अगर आप इसमें रुकना चाहते हैं तो, और इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है फ्यूचर्स वालों की और ऑप्शंस वालों की, तो उस टाइम पे आपको ठीक तरह से उस चीज़ को मैनिपुलेट करने का मतलब, जब वो बंदे बाय कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सेल, और जिस टाइम पे वो सेल कर रहे हैं तो बाय, तो ये सीधा सा फंडा आप अप्लाई करते हुए चलिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे आपको बाय करना है, किस टाइम पे नहीं करना, लेकिन अभी जो ट्रेड चल रहा है वो तो बिल्कुल राइट टू टाइम बाय है। और अभी जैसे कि आपने देखा 210 या 212 के आसपास में था, अभी 226 क्रॉस कर चुका है, तो आप इस शेयर को अभी ले सकते हैं इस रेट पर। और अगले मतलब दो ये दिसंबर भी शायद निकल जाए तो शायद ये 300 क्रॉस जरूर करेगा 100%, और 400 तो क्रॉस कराइए आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन दिसंबर में भी और मार्च में ही सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो, जैसे आपने देखा कॉर्पोरेट बैंकिंग में इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव वे में आते हैं इसके पास में एप्लीकेशन, तो वहाँ से भी अच्छा जंप ले सकता है। तो 300 साढ़े 300, तो SBI की जगह आप येस बैंक लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने आपको दिखाया FIIs की ज़्यादा होल्डिंग है इसमें, और वो अपनी होल्डिंग को शायद कवर कर ले इनको एक्वायर करने में। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। येस बैंक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके जो पूछिएगा। आपकी होल्डिंग है अगर 350 पर, तो अभी एवरेज करने का अच्छा टाइम है, आप अभी एवरेज कर सकते हैं इसे बाय करके। ठीक है, आपको
परफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अभी बेच के लाने के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, सही रेट पे आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में कि ये बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो वो भी बाय करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने बाय कर रखा है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं, आप भी अच्छे रेट में मिल रहा है तो आप एक्वायर करके रखिए, इसे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए SBI से। सॉरी SBI से मेरे को दुश्मनी नहीं है, लेकिन SBI के शेयर को आप मेरे को इंटरनली मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों से लेता हूँ, नई वीडियो के साथ जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।